हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये आर्टिकल देखते हैं, हाई होप्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी आउटकम एट समिट एज इंडिया टेक्स लीड। जहाँ पे इंडिया की बात आती है वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, जैसे क्लाइमेट एंड एनर्जी आउटकम्स की बात तो होना बनता ही है। तो चलिए देखते हैं क्या है। एज अ लीडर गैदर फॉर अ G20 समिट इन न्यू दिल्ली, एक्सपर्ट ऑन थर्सडे सेड सिक्योरिंग कंसेंसस ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, ये हमने पहले भी देखा है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक रिफॉर्म एंड अडॉप्टिंग रिगरस लैंग्वेज रिगार्डिंग दी फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल कुड इन्हेंस इंडियाज लीडरशिप रोल। ठीक है, फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल। द G20 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर 85% ऑफ द वर्ल्ड GDP एंड 80% ऑफ द एमिशन फेल टू रीच द कंसेंसस एट द एनर्जी एंड क्लाइमेट मिनिस्टर्स मीटिंग इन जुलाई ऑन द फेजिंग डाउन ऑन द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू 11 TW बाय 2030 एंड प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट फाइनेंसिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज, इशूज क्रिटिकल टू लिमिटिंग ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। डिस्पाइट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिस्कशन, दी अनसर्टेनिटी सराउंडिंग एनर्जी ट्रांसमिशन एंड MBD रिफॉर्म, देर इज ऑप्टिमिज्म दैट दी समिट्स लीडर कैन फाइंड अ मिनिमम कंसेंसस टू डेमोन्स्ट्रेट यूनिटी। मतलब कुछ अगर ये सब नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो करो यार, लीडरशिप अपनी मिला करके कम से कम कुछ तो करो, मिनिमम यूनिटी दिखाने के लिए अपनी। इंडिया होप्स टू गेट दी गवर्नमेंट्स टू एग्री ऑन अ फॉसिल फेज डाउन, हाउ एवर इफ इट डज नॉट फाइंड प्लेस इन फाइनल टेक्स्ट देर इज अ रिस्क ऑफ बैक स्लाइडिंग ऑन द कोल फेज डाउन एग्रीड अपॉन दी बाली समिट लास्ट ईयर। एट द G20 एनर्जी मिनिस्ट्रियल साउथ अरेबिया लेड अपोजिशन टू फॉसिल फ्यूल फेज डाउन एफर्ट्स, वाइल द G20 नेशन हैड अर्लियर कमिटेड टू एक्सेलरेटिंग द फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल। सुल्तान अल जैबर, द प्रेसिडेंट ऑफ द नेक्स्ट UN क्लाइमेट टॉक, हैड स्ट्रेस्ड दैट द फेज डाउन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज इनएविटेबल बट contingent upon the substantial increase in renewable energy capacity worldwide. Experts, however, anticipate limited progress on fossil fuel discussion at G20. R.R. Rashmi, distinguished fellow and program director at the Energy and Resource Institute, said on the issue of fossil fuel, it is unlikely that there will be a language additional to what was agreed in Bali due to lack of global advancement and concrete action. Despite India's push on technology, hydrogen, blue economy and circular economy, T. Jayavarman, senior fellow climate change at the M.S. Swaminathan Research Foundation, said that considering the vast diversity within the bloc, spanning from the lowest emitter India to the highest emitter that is U.S., any global target set at the G20 must account for its differentiation and acknowledged varied national circumstances explicitly in the term of actual number. At 2.4 TCO2e, that is ton carbon dioxide equivalent, India's per capita greenhouse gas emission is far below than the global average of 6.3. तो इस आर्टिकल में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। सबसे पहला चीज फॉसिल फ्यूल फेज आउट, इसमें वाई यानी कि क्यू होना चाहिए और क्यू नहीं हो रहा है, वाई नॉट पॉसिबल, क्यू नहीं हो रहा है, ये दो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरा एक फैक्ट यहाँ पे था कि G20 में 85% ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पे था 85% ऑफ वर्ल्ड GDP है एंड 80% ऑफ आपका एमिशन है। तो चलिए GDP के हिसाब से कम है, पर इसको और कम करना चाहिए क्योंकि हम G20 है। दूसरा यहाँ पे एक आ जा रहा है मल्टी, किधर गया आपका, ये यहाँ पर था मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक रिफॉर्म क्या है, फोर्थ G20 में इंडिया लोवेस्ट एमिटर है और US हाईएस्ट एमिटर है, किसका, यहाँ पे हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन सबका, किसका
किधर गया, फाउंडेशन वॉस्ट स्पेनिंग फ्रॉम द लोवेस्ट एमिटर हाईएस्ट एमिटर यूएस। ठीक है, ये आपका हो जा रहा है आपके फॉसिल फ्यूल से जो एमिशन हो रहे हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो ये हो गया। और देखिए ये टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, तो एक ये फिफ्थ पॉइंट इंडिया का है और यूएसए का, सॉरी यूएसए का नहीं है, ये एवरेज है। तो इंडिया का आपका हो जाता है 2.4 टन, 2.4 टन CO2 इक्विवेलेंट है, और एवरेज है आपका 6.3 टन CO2 इक्विवेलेंट। तो इतना एवरेज और हम उससे कितने नीचे हैं, तो इसीलिए इंडिया को इसका लीडर बना देना चाहिए और इंडिया की बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि वी आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल एंड यूएसए थोड़ा साइडलाइन हो रहा है अपने हरकतों के वजह से, और होना भी चाहिए। इतना ज़्यादा एमिशन कर रहे हो, बस करो यार, कितना करोगे। इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ सोचो और दूसरे के लिए भी कुछ छोड़ो। सो थैंक यू गाइज, इस आर्टिकल में हमारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।